माशाल्लाह से आज हमने बनाया ये पुलाव आलू मटर का। तो आपको बनाना सिखाते भी हैं और दिखाते हैं झटपट में ये पुलाव कैसे तैयार होता है। चले जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। तो जनाब, यहाँ पर जो है ना मज़ेदार वाले बन रहा है पुलाव, और आज जो है बच्चों ने पुलाव के साथ जो है ना फरमाइश कर दी है, कि फरमाइश जो ये की है कि मटर पुलाव वाला जो है ना आज हमने खाना खाना है, ठीक है जी, उससे हम कर लेंगे अफ्तारी। तो यहाँ पर मैंने पतीली रख दी है, और यहाँ पर जो ना जो जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है वो आप लोगों को मैं बता दूँ क्या क्या है। ये चंद मसाले हैं जी, ठीक है, और इसमें क्या क्या है, पीली मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, नमक, ये सब चीज़ें हैं, टमाटर है, ये मिर्चें हैं, और मटर को और आलू को मैंने छील लिया था, पानिया रखा हुआ है, और ये प्याज है जिसे मैं बनाऊंगी, ठीक है जी, और ये चावल है जिनको मैंने भिगो कर रख दिया था, वनस्पति, यहाँ पर ऑयल है, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। चले जी, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, तो बच्चों ने फरमाइश कर दी कि भाई हमने तो अफ्तारी जो करनी है ना वो इसी से करनी है। मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है। चलिए जी, ऑयल हमने ऐड करना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जितना आपको पसंद है ऑयल, अगर आपने घी में बनाना तो आप घी में बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी, ठीक है जी। प्याज हमने जो करने हैं लाइट ब्राउन, तो चलिए ब्राउन को कर लेते हैं प्याज को। यहाँ पर जो है ना ब्राउन से हो गए हैं प्याज, अब हमने क्या ऐड करना है जी, ये सारे मसाले ऐड कर देने हैं साथ में। अब ये टमाटर हरी मिर्च ये भी ऐड कर देंगे साथ में, और ये मटर और आलू ये भी आपने सभी साथ में डाल देना, ठीक है। अरे और भूलें ये मसाले जो। चलिए जी, यहाँ पर जो ना आलू मैंने ऐड कर दिए हैं और मटर भी ऐड कर दिए हैं, और आलू को गलाने के लिए हमने रख दिया है, और यहाँ पर पानी भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है जी। चलिए टाइम लगा देते हैं, 10 मिनट के लिए इनको पका लेते हैं। अब जो है ना आलू भी गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं, ठीक है, माशाल्लाह से। अब जितने ये चावल है ना इनको मैंने धो लिया था, अब ये भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, और फुल आँच कर देते हैं ताकि ये चावल जो है ना बन जाए, ठीक है। चलिए जी, उस टाइम मैंने डोई ली थी, डोई के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मैं हांडी उसी से बनाती हूँ। तो अब जो ना चावल और सारे मसाले को हमने मिक्स कर देना है, और ये पक जाएंगे तो हमने इनको दम पे रख देना 10 मिनट के, ठीक है। ये पक जाएंगे फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है जी। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाए, और अब जो ना हमारे घर पर ना खाने बन रहे होते हैं, इसलिए कि ना बच्चे जो ना वो कहते हैं मम्मा अब जो ना कुछ खाने बना लिए जाए, काफ़ी दिन हो गए ना, तो वो पकौड़े और ये सब चीज़ें खा रहे थे। तो चले जी, जैसे ये बनते हैं मैं आप लोगों को इसका लुक दिखाती हूँ, ठीक है, बहुत मज़ेदार वाले बन रहे हैं, ठीक है जी। माशाल्लाह देखें जी, यहाँ पर कितने मज़ेदार वाला बन गया है पुलाव, ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खाए पिए मौज करें यही ज़िंदगी। कल फिर नए मिल जाएंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।